ये सी संजना जो है, जो बॉस है उसकी, जो ऑफिस जो नीलाम कर रही है वो बिल्कुल लॉस में जा रही है। सो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को जब न्यूज़ चैनल पे देखा कि आखिर हुआ क्या है, तो सीधी सी बात है कि कोई भी बीवी अगर अपने हस्बैंड को बॉस के साथ में देख लेगी तो बड़ा ही गुस्सा करेगी। तो यही सीन चल रहा था कि मैंने उनको न्यूज़ पे देख लिया संजना के साथ, कि इस आदमी ने इसके साथ ये किया है। तो मैं भड़क गई हूँ और मुझे खूब रोना आया है, एंड मैंने उनको बोल दिया है कि अब इस घर से निकल जाओ और अब इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। तो इस कहानी में एक नई ट्विस्ट आने वाली है। यस, तो अभी आप क्या अपने हस्बैंड को माफ करने वाली हैं, क्या करेंगे आप? हस्बैंड को वैसे कोई भी बीवी अगर हस्बैंड गलत काम करता है, या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या मुझे नहीं पता है कि हुआ क्या है, जब मेरे सामने सच्चाई आएगी तो ज़रूर मैं उनको माफ़ करूँगी। और अगर ये सच निकला तो वो हमेशा के लिए घर से बाहर निकल जाएंगे, और फिर तो आपको पता ही है, अगर मैंने नहीं निकाला तो दादी आ जाएगी। तो इसमें किसी की चाल बनाए? ये तो चाल वाल तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं तो एक मासूम सी बीवी हूँ। क्या चल रहा है ये भी मुझे नहीं पता है, तो ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये चाल थी या सच में कुछ अफेयर चल रहा है। बारिश का मौसम है, आपने इस मौसम को किस तरह से एंजॉय किया? मैं जब भी बारिश आती है मैं बाहर बैठ के चाय पीती हूँ मस्त गरम गरम, और सोचती हूँ कि कोई प्लीज़ मेरे लिए भजिए ले आए गरम गरम। तो मैं इंजॉय करती हूँ, एंड मेरा म्यूज़िक सिस्टम है तो मैं बारिश के ही गाने सुनना पसंद करती हूँ, तो म्यूज़िक भी चलता है, चाय भी चलती है, और पकोड़े भी चलते हैं। बारिश में वैसे भी अभी अभी मौसम में क्या खाना मतलब अच्छा पसंद करती हैं, क्या लेना चाहती हैं? वैसे तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा आता नहीं है कि मज़ा आ जाए, लेकिन मैं जब भी घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी बेसन के चीले एंड मिर्ची के भजिए और ये सब खाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इंजॉय करती हूँ। फ्रेंड्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? फ्रेंड्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप भी बारिश के मज़े लीजिए, खूब गरम गरम चाय पीजिए, पकोड़े खाइए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए और मस्ती कीजिए, अच्छे से सॉन्ग सुनिए। दैट्स इट, थैंक यू।